दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत द्वारा विकासशील देशों को दिए जाने वाले लोन से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों को अप्रूव किए जाने वाले सॉफ्ट लोन में एक काफी बड़ा इजाफा किया है, जिसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ब्रिटेन की तरफ से निकल कर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीयों ने ब्रिटेन के अंदर 40% सीट हासिल कर ली है, खास करके एक ऐसे समय में जब इमिग्रेशन और माइग्रेट लोगों के लिए ब्रिटेन के अंदर भावनाएं ने चरम पर पहुंच रही थी और कई सरकारी अधिकारी यहां तक कि मंत्रियों की तरफ से भी काफी आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे थे। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के ऊपर विस्तार से जानते हैं। हमारी पहली खबर भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दिए जाने वाले सॉफ्ट लोन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पिछले 8 सालों में 500% का इजाफा देखा गया है और ये इतनी बड़ी बात है कि इसका कूटनीतिक प्रभाव भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर जा सकता है, जिसके आंकड़े आपको काफी ज्यादा हैरान कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने अपने पड़ोसी देश को काफी बड़ी संख्या में सॉफ्ट लोन दिया है। दरअसल दोस्तों पिछले 8 सालों में भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दिए जाने वाले सॉफ्ट लोन की संख्या 3 अरब डॉलर से बढ़कर 15 अरब डॉलर तक की हो गई है, जो कि सीधे 500% का इजाफा है। यानी कि भारत ने पिछले 8 सालों में अपने पड़ोसी देशों को काफी बड़ी संख्या में सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया है, जिसका प्रभाव हमें आज साफ तौर पर देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि हाल ही में आई आर्थिक मंदी और कई अलग अलग तरह की आपदाओं में भारत ने जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों की मदद की है, यह इस बात को दर्शाता है कि भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि हकीकत में भी अपने चरम पर काम कर रही है, जिससे भारत अपने कूटनीतिक प्रभाव की सीमा को लगातार बढ़ाते जा रहा है और मौजूदा समीकरण में यह हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं हाल ही में जिस तरह से चीन ने नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए नेपाल की सरकार को एक तरह से अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश की और काफी हद तक वह इसमें सफल भी हो गए थे, इसे ध्यान में रखते हुए भारत के लिए लोन के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों में अपने प्रभाव को बनाए रखना और मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही भारत आसपास के देशों को इस बात का यकीन दिला सकता है कि जरूरत पड़ती है तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र या फिर चीन जैसे देशों से मदद लेने की जरूरत नहीं है। भारत इस क्षेत्र में इकलौता सुपर पावर है और सभी देश हमसे मदद ले सकते हैं, जो कि भारत की डिप्लोमेटिक क्षमता और शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। हाल ही में जब श्रीलंका अपने इतिहास के शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब विश्व में श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद भारत ने ही की थी और श्रीलंकन लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जब पूरे विश्व और चीन ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया, तब किस देश ने उनका सबसे ज्यादा मदद की और आगे जाकर इसका फायदा भारत को काफी ज्यादा मिलने वाला है। अगर हाल ही में आई रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की है, जो कि काफी बड़ी बात है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर भारत ने अपने पड़ोसी देशों को जो 15 अरब डॉलर के सॉफ्ट लोन दिए हैं, इसे आप हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर समझ सकते हैं, जिसका फायदा हमें कूटनीतिक स्तर पर भी मिलेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर ब्रिटेन के हाई कमीशन की तरफ से निकल कर सामने आ रही है, जिन्होंने इस बात की जानकारी साझा की है कि ब्रिटेन के द्वारा जारी किए गए कुल वर्कर वीजा का 40% अकेले सिर्फ भारतीय लोगों को जारी किया गया है, जो कि काफी बड़ी बात है। पुष्टि के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटेन के हिसाब से भारतीय लोगों को कुल 56,042 वर्कर वीजा जारी किए गए हैं, जो कि साल 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा है। साल 2019 में भारतीय लोगों को सिर्फ लगभग 29,552 वीजा ही जारी किए गए थे, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ब्रिटेन ने भारतीय लोगों की क्षमता और शक्ति को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा वीजा भारतीय वर्कर्स को ही जारी किया है। यह खबर इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन के अंदर भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके तहत खुद ब्रिटेन के कई उच्च अधिकारी और मंत्रियों ने भी कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं। हालांकि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया में G20 समिट में हुई मुलाकात के बाद चीजें काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन ये खबर इस बात को भी दर्शाती है कि ब्रिटेन चाहे भारतीयों के खिलाफ कितनी गलत बयानबाजी कर ले, लेकिन अंत में उन्हें अपने सबसे हाई टैलेंट वाले नौकरियों के लिए भारतीय लोगों की ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आखिर भारतीय लोगों की क्षमता और शक्ति से पूरी दुनिया वाकिफ है कि कैसे भारतीय जिस भी देश में जाते हैं वहां के विकास में एक काफी बड़ा योगदान देते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।